हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम बचे हुए सोप से हैंड वॉश घर पे ही बना सकते हैं। सोप के ऐसे छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, तो सबसे पहले हम इसे छोटे छोटे स्लाइसेस में चॉप कर लेंगे नाइफ के हेल्प से। ओके, तो अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल दूंगी और अप्रॉक्स हाफ कप पानी डालकर इसे ब्लेंड कर लूंगी। तो अब हम इसका स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। मेक श्योर कि पेस्ट में लम्स नहीं होने चाहिए। अब हम एक मग लेंगे, आप चाहे तो कोई बर्तन भी ले सकते हो। फिर हम दो ग्लास हॉट वाटर लेंगे, फिर इसमें हमने जो पेस्ट रेडी किया है वो ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। यहाँ मैं स्पून का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो बीटर से भी मिक्स कर सकते हो ताकि अच्छे से पेस्ट मिक्स हो जाए पानी में। इसे मिक्स होने में करीब 10 से 15 मिनट लगेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें झाग भी बन रहे हैं। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, हमें ना ज़्यादा पतला या गाढ़ा इसे करना है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून आलमंड ऑयल मिक्स करेंगे, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। फिर मैं ऐड करूँगी इसेंशियल ऑयल। यहाँ मैं रोजमेरी का यूज़ कर रही हूँ, करीब 8 to 10 ड्रॉप्स मैं ऐड करूँगी। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इनकेस आपको चाहिए होगा तो। अब हमें इस तीनों मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है और हमारा हैंड वॉश रेडी हो जाएगा। मैं इससे आपको अपना हाथ धो के भी दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 हैंड वॉश हमारा रेडी हो चुका है और इतना बच भी गया है। तो देखा आपने हम कितनी आसानी से हैंड वॉश घर पर बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।